देख रहे हैं जनसत्ता.com। चीन और भारत के बीच जारी वाक युद्ध आज उस समय और बढ़ गया जब चीन ने सिक्किम के निकट के क्षेत्र में चीनी सेना को सड़क निर्माण करने से रोकने की भारत सेना की कार्रवाई के रुख को उल्लंघन करार देते हुए कहा कि भारत को अपनी सेना पीछे हटा लेनी चाहिए। चीन और भारत डोकोला क्षेत्र में तकरीबन एक महीने से तनातनी की स्थिति में फंसे हैं, जो 1962 के बाद से दोनों देशों की सेनाओं के बीच सार्वत्रिक लंबा प्रतिरोध है। 1962 में दोनों देशों के बीच जंग हो चुकी है। सिक्किम मई 1976 में भारत का हिस्सा बना। ये एकमात्र प्रदेश है जहां चीन के साथ सीमा सीमांकित है। इस वाक्य युद्ध पर टिप्पणी करते हुए चीनी विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता शुवांग ने कहा कि भारत को इस संधि का सम्मान करना चाहिए और तुरंत अपनी सेना को वापस कर लेना चाहिए। उन्होंने रक्षा मंत्री अरुण जेटली की उस टिप्पणी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि 2017 का भारत 1962 के भारत से अलग है। उन्होंने कहा कि 2017 का चीन भी 1962 की चीन से भिन्न है और अपनी क्षेत्र अखंडता की रक्षा के लिए हर जरूरी उपाय करेगा। देखते रहिए जनसत्ता.com। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। पुलवामा में पिछले 24 घंटों से सुरक्षा बल आतंकियों से मुठभेड़ कर रहे थे, अब मुठभेड़ खत्म हो गया है। इस कार्रवाई में जवानों ने आज एक और आतंकी को ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में कुल 3 आतंकी मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेतावनी का गौरक्षकों पर असर नहीं दिख रहा है। असम के सोनपुर में ट्रक से गाय ले जा रहे एक शख्स को बेरहमी से भीड़ ने पीट डाला। गुजरात में बीजेपी को बड़ा झटका, दीव नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस ने जीती 13 में से 10 सीटें, टूटा 14 साल पुराना सत्ता में आने का सपना। रवि शास्त्री ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच पद के लिए आज औपचारिक तौर पर आवेदन किया। इसके बाद वह इस प्रतिष्ठित पद की दौड़ में सबसे आगे निकल गए। बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि शास्त्री ने 9 जुलाई की समय सीमा से पूर्व अपना आवेदन सौंप दिया है। अभिनेता संजय दत्त को समय से पहले रिहा किए जाने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने सरकार से एफिडेविट फाइल करने का स्पष्टीकरण मांगा है।